पाली संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को रानी उपखंड क्षेत्र के भादरलाव सोमेश्वर में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में आमजन की समस्या को सुन उनके त्वरित निवारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में कुल 32 परिवेदनाएं प्राप्त हुई। जन सुनवाई के दौरान बिजली, पानी व सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे छाए रहे। जन सुनवाई में संभागीय आयुक्त ने कहा कि राजकीय कार्यालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को न केवल सुना जाए बल्कि निश्चित समय में उनका निदान भी किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जारी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन तक पहुंचकर उनके लिए किस प्रकार के फायदेमंद साबित हो सके इसके लिए भी हम पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए। पौधारोपण कर सार संभाल की दिलाई जिम्मेदारी। जन सुनवाई से पूर्ण संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने उपखंड अधिकारी सिद्धांत सांधु, विकास अधिकारी नारायण सिंह राजपुरोहित ने ग्रामीणों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पौधारोपण जन जागरण अभियान कार्य योजना के तहत पौधारोपण कर ग्रामीणों को उनके संरक्षण का संकल्प दिलाया। इस मौके पर संभागीय आयुक्त ने कहा कि वर्तमान समय पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है, जिससे अधिक से अधिक पौधारोपण कर संतुलित किया जा सकता है। उन्होंने आमजन को अपने घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पास पौधारोपण कर उचित सार संभाल करने की बात कही। मुख्यमंत्री पौधारोपण अभियान के तहत निकाली संकल्प रैली दिया वृक्षारोपण का संदेश। पाली मुख्यमंत्री पौधारोपण अभियान 2024 जन जागरण कार्य योजना को लेकर जिला कलेक्टर एलएन मंत्री के निर्देशानुसार गुरुवार को चिकित्सा विभाग के तत्वाधान में वांगड़ चिकित्सालय से संकल्प रैली का आयोजन किया गया। रैली में AN/Mव GNM प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षणार्थी, पाली शहर की आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व वांगड़ स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। रैली के बाद सभी को पौधारोपण कर इन पौधों की देखभाल करने का संकल्प दिलाया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद किशोर राजोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री पौधारोपण अभियान 2024 की जन जागरण कार्य योजना के तहत 4 जुलाई गुरुवार को प्रातः 10 बजे वांगड़ अस्पताल से कलेक्टर ने पाव में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, अस्पताल का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक निर्देश। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री गुरुवार को सुमेरपुर क्षेत्र के पावा गांव में जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। बाद में उन्होंने पावा अस्पताल का भी निरीक्षण किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत जुलाई माह के प्रथम गुरुवार को जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने सुमेरपुर के पावा गांव में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया।